एक दिन जंगल से एक हिरण टहलते टहलते ना जाने किस रास्ते पर भटक गया और किसी दूसरे ही जंगल में जा पहुंचा। वो खुद भी हैरान हो गया कि वो कहां आ गया है। चलते चलते उसे रास्ते में एक बारह सिंघा मिला, जो देखते ही समझ गया कि हिरण उस जंगल में नया है। तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आए? हाँ भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया हूँ और वहीं वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ओह, ऐसी बात है, फिर तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं जो दूसरों को मार कर खा जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसा कहकर बारह सिंघा वहाँ से चला गया और हिरण समझा, यूं ही मुझे डरा रहा है, ये जंगल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसे पूरा घूमकर ही अपने जंगल वापस जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसका पैर सोए हुए शेर की पूंछ पर जा पड़ा। शेर ने हिरण को देख लिया और जोर से गुर्राया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर पैर रखो। डर के मारे हिरण की जान सूख चुकी थी। हिरण बड़ी तेजी से दूसरी ओर अपनी जान बचाकर भागने लगा। शेर भी उसके पीछे भागा। हिरण भागते भागते अपने जंगल के रास्ते को पकड़ लेता है, लेकिन शेर की रफ्तार के आगे खुद को नहीं बचा पाता। रास्ते में ही शेर उसे दबोच लेता है और खा जाता है। अब शेर को एक नए जंगल का रास्ता पता चल जाता है। शेर ने देखा कि नया जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत से जानवर हैं। उसने आगे जाकर देखा, जंगल में इतने सारे हिरण थे। उन सब को देखकर उसका मन ललचा गया। एक एक करके उसने सबको खाना शुरू कर दिया। अब जंगल के सभी हिरण असुरक्षित थे। हिरण के सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये शेर हम सबको खा जाएगा। तभी एक छोटा हिरण कहता है, सरदार, मुझे लगता है हमें 15 दिनों तक छुप जाना चाहिए। हम सब 21 दिन तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शेर केवल 15 दिन तक भूखा रह सकता है। अगर हम 15 दिन झाड़ियों में छिपे रहे तो ये भूखा रहेगा और यहाँ से चला जाएगा। सभी उस बच्चे की बात को मान लेते हैं और 15 दिनों तक झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब 15 दिनों तक शेर को कोई हिरण नहीं मिलता तो वो अपने जंगल वापस लौट जाता है। सभी हिरण उस छोटे नन्हे हिरण की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, तुमने हम सबको बचा लिया, तुम्हारी तरकीब बहुत अच्छी थी। इसीलिए कहते हैं, समझदार कोई भी हो सकता है, बड़ा भी और छोटा भी। एक दिन मुर्गी अपने 3 छोटे छोटे चूजे लेकर दाना चुग रही थी। तभी उसने देखा एक चूजा बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अरे ये क्या हुआ, मेरा बच्चा, ये तो अभी बहुत छोटा है, अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका मालिक वहां आ गया। अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? फिर उसने देखा कि छोटा सा चूजा गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुर्गी अपने मालिक को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था, कभी कोई कमी रहने नहीं देता था। एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुर्गी। हाँ, बेच दीजिए मालिक। मुर्गी ने भारी मन से हाँ कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिए। चूजे बेचकर उसे बहुत अच्छे दाम मिले। अरे वाह, चूजे बेचकर इतना अच्छा पैसा मिला, अगली बार भी ऐसा ही करूँगा। अगली बार जब मुर्गी को बच्चे हुए तब फिर से मालिक ने कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच दूँ? मुर्गी समझ चुकी थी कि अब मालिक लालची होता जा रहा है। उसने मालिक से कहा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे, इस तरह आपका खुद का अंडों का व्यापार हो सकता है। आप जल्दबाजी में थोड़े लालच में पड़कर गलती कर रहे हो मालिक।
अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती हो। कुछ पैसों के लिए मैं कितना स्वार्थी हो गया था। आज के बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा। इस तरह मुर्गी ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली। शिकारी को सीख। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने जा रहा था, तभी उसको सांप जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। शिकारी डर गया और सांप को लाठी से पीटने लगा, लेकिन सांप ने शिकारी से कहा, मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन इससे पहले मुझे सभी से कुछ जानना है, मेरी एक अंतिम इच्छा है। शिकारी को अचानक सांप पर दया आ गई और उसने कहा, आखिरी इच्छा? क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य किस प्रकार के होते हैं। मगर उसमें तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आप केवल मुझे कुछ देर के लिए जिंदा छोड़ दीजिए, मैं कुछ जानवरों से इस बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, मगर उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। और इस तरह शिकारी ने सांप से वादा ले लिया। कुछ ही देर बाद वहाँ से एक गाय गुजरी। सांप ने गाय से पूछा, प्यारी गाय, आप मुझे बताएं, इंसान कैसा होता है, वह अच्छा होता है या बुरा? गाय ने जवाब दिया, इंसान हमें पालते हैं, मगर बदले में हम भी तो उन्हें दूध देते हैं, लेकिन कभी हमारा शुक्रिया अदा नहीं करते। शिकारी ने कहा, हम बहुत मूर्ख हैं जो इस बूढ़ी गाय की बातें सुन रहे हैं। चलो सांप, बस तुम्हें अपना जवाब मिल गया, मगर ये सही जवाब नहीं है। तो क्यों ना मैं आते हुए बैल से ये प्रश्न कर लूं? ठीक है, कर लो। सांप ने गुजरते हुए बैल से पूछा, कृपया आप हमें बताएं, इंसान के बारे में वो कैसा है और क्या सोचता है? मैंने अपने जीवन में बहुत इंसान देखे, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में हमें केवल मारते हैं। यह सुनकर शिकारी को बहुत बुरा लगा। तुम इन लोगों की बातें मत सुनो, चाहो तो पेड़ से बात कर सकते हो, हम पेड़ों को पानी देते हैं। ठीक है, पेड़ महाराज, आप मुझे बताइए, इंसान कैसे होते हैं और क्या सोचते हैं? पेड़ ने जवाब दिया, मैंने इंसान को फल फूल और रहने के लिए छाया दी, लेकिन वह मेरी शाखाओं और लकड़ियों को काटता रहता है, मुझे जड़ से मिटा देता है। जब शिकारी ने सभी की बात सुन ली, तब शिकारी ने सांप से कहा, हम इतने स्वार्थी हैं, सांप आप जा सकते हो, मुझे तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं, मुझे सभी से माफी मांगनी चाहिए, जानवर और पेड़ तो हमारे रक्षक हैं और हम इन्हें काट डालते हैं और मारते हैं। सांप वहां से चला गया। सीख, हमें उन सभी के प्रति आभार करना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। जादुई साइकिल और छड़ी। राजू कक्षा का सबसे होशियार लड़का था, वह क्लास में हमेशा प्रथम आता। उसका एक दोस्त था मनु। मनु और राजू एक साथ स्कूल आया जाया करते थे। राजू, हमारा स्कूल हमारे घर से कितनी दूर है, कितना चलना पड़ता है, मैं तो थक जाता हूँ। अगर हमें थोड़ा सा चलकर इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए मनु। हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तो बहुत थक जाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, मैं कोशिश करूँगा कि हमें कहीं से कोई साइकिल मिल जाए। अगर साइकिल होगी तो हम दोनों उस पर स्कूल आसानी से पहुंच जाएंगे, वो भी बिना थके, है ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, तुमने ठीक कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर साइकिल आएगी कहाँ से? मैं अपने पिताजी से कहूँ, शायद वो हमें नई साइकिल दिलवा दे। ठीक है, कोशिश करके देख लो,
पिताजी, स्कूल बहुत दूर है, आप मुझे एक साइकिल क्यों नहीं दिलवा देते? स्कूल जाना आसान हो जाएगा। बेटा, जो मेरी साइकिल रखी है ना घर के पीछे, तुम उसे ले सकते हो। थोड़ी पुरानी है लेकिन तुम्हारे काम आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। मनु खुशी खुशी अपने दोस्त के पास जाता है। अगले दिन से दोनों उस पुरानी साइकिल से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। अरे वाह दोस्त, मजा आ गया। तुम्हारे पिताजी सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ तुमने ठीक कहा, पिताजी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इतने भी नहीं, देखो ये खटारा साइकिल दे दी, इतनी देर लग रही है, उससे अच्छा तो हम पैदल ही चले जाते। दोनों स्कूल जा रहे होते हैं, रास्ते में अचानक साइकिल खराब हो जाती है। अरे ये मेरी साइकिल को क्या हुआ, ये चलती क्यों नहीं? मनु वो देखो कितनी बूढ़ी औरत है, बहुत भूखी और कमजोर लग रही है। तुम यहीं ठहरो, मैं अपना टिफिन उसे देकर आता हूँ, लगता है उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। ठीक है मेरा भी ले जाओ। कुछ ही देर में साइकिल ठीक हो जाती है। मनु और राजू अपना टिफिन बुढ़िया के पास रखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अक्सर जब भी वो आते जाते, बुढ़िया के पास अपना खाना जरूर रखते। ये बुढ़िया मुझे बहुत अच्छी लगती है, बेचारी पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है, लगता है ये बिल्कुल अकेली रहती है, इसका दुनिया में कोई नहीं। चले, बहुत देर हो गई है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। अचानक एक दिन फिर से साइकिल ठीक बुढ़िया की झोपड़ी के आगे खराब हो गई, और इस बार साइकिल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक बुढ़िया अपनी झोपड़ी से बाहर आती है। कौन है? अरे तुम दोनों लड़के हो ना, जो रोज आकर खाना छोड़ जाते हो, इधर आओ मेरे पास बेटा। राजू और मनु घबरा जाते हैं। ये बुढ़िया तो मुझे बहुत डरावनी लग रही है। डरते क्यों हो, रुको मैं बात करता हूँ। राजू बुढ़िया के पास जाता है। बेटा तुम दोनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, जानते हो मैं तुम्हें रोज देखती थी, मगर इतनी कमजोर थी कि कुछ मदद नहीं कर पाती थी। ये तुम्हारी खटारा साइकिल है ना, इसकी चिंता मत करो, कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी। आप हमें देंगी? वो कैसे, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। है बेटा, मेरे पास जादू है, रुको अभी बताती हूँ। बुढ़िया अपनी छड़ी घुमाती है और अचानक साइकिल हवा में उड़ने लगती है और बिल्कुल नई हो जाती है। साइकिल का रंग एकदम सुनहरा खूबसूरत हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो उड़ रही है, क्या इस पर बैठकर हम भी उड़ सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार है बेटा, इसे रख लो, जब चाहोगे चलेगी और जब चाहोगे ये साइकिल हवा में उड़ेगी। शुक्रिया दादी माँ, शुक्रिया दादी माँ। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी उड़ने वाली साइकिल पर बैठकर हमेशा समय पे स्कूल पहुंच जाते हैं।